नमस्ते दोस्तों मैं निधि शर्मा डायरेक्टर सस्टेनेबिलिटी इन ग्रीन यात्रा और आज हमारे साथ हैं स्वरूप दत्ता हुई इज अडाइवर्सिटी एक्सपर्ट एंड एम एस सी विद गोल्ड मेडल इन बॉटनी एंड ही टॉक टूडे अबाउट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हम समझेंगे कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या होता है किस तरीके से होता है क्या इसकी इम्पोर्टेंस है स्वरूप आजकल ये जो इतने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बन रहे हैं Uh, कई बार लगता है कि सरकार इतना पैसा डाल रही है इतना एफर्ट डाल रही है क्या आपको लगता है ये बहुत जरूरी है वरना मतलब मुझे लगता है हमारे जैसे पढ़े लिखे तो होते ही नहीं है बहुत यूजफुल है मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ असम में कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक ट्रेन ने एक हाथी को धक्का मारा तो वो हाथी एक घंटा खड़ी थी

हाईवे okay. yes. तो like पे स्टेट नहीं बन सकता या जहाँ पे कुछ मिनिमम पॉपुलेशन uh, है या मिनिमम डेंसिटी है फॉरेस्ट की ऐसा कुछ क्राइटेरिया तो है नहीं बट एक जनरली uh, हम अगर देखेंस uh, ऐसा एरिया में होता है फॉर एग्जांपल दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और बीच में जो एरिया है जो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कनेक्ट कर एक? रहा है उसका हम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहते हैं जिस एरिया से एनिमल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मूव करते हैं तो उस एरिया में अगर एक हाईवे आ रहा है तो वो हाईवे दोनों वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स का मूवमेंट है उसको ब्लॉक कर रहा है तो उस एरिया में वो स्टेट हाईवे हो नेशनल हाईवे हो उसमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर रखना बहुत जरूरी है तो हम देख सकते हैं जैसे नागपुर टू मुंबई का जो एक्सप्रेसवे है

तो हमें क्या करना है अर्बन फॉरेस्टेशन से क्या होता है अर्बन फॉरेस्टेशन पे उस फॉरेस्ट के थ्रू एनिमल्स मूव करते हैं एक फॉरेस्ट से अच्छा। दूसरे फॉरेस्ट फॉरेस्ट में जो अब हम अर्बन बनाते हैं और एक चीज है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपना अर्बन फॉरेस्ट बिकॉज वो लोग बहुत दूर से ट्रेवल करते हैं फिर एक अर्बन फॉरेस्ट हो गया उसमें वो लोग आएंगे रेस्ट करेंगे रेस्टिंग पीरियड चलेगा उधर उधर रिफ्यूलिंग करेंगे वो लोग खाना खाएंगे फिर हम हमारा भी इम्प्रूवमेंट होगा उससे hmm. वो लोग कीटो को खाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा hmm. है पूरा एक इकोलॉजी सिस्टम yes. उससे डेवलप होता है तो आप वे का भी एक बार कभी कुछ yes. बात कर रहे थे तो uh, so मैं ये बोल रहा था कि असम में गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो रोडवेज है उसके ऊपर रोप बना हुआ है टू फॉर द मूवमेंट ऑफ गिबन टू क्रॉस रोड्स इन इन दिज एरिया वो बहुत इम्पोर्टेंट है फिर बांग्लादेश में भी ऐसा रोप बना गया है

निकल रहे हैं और एक वो उन्होंने ऊपर से बना दिया जस्ट फॉर द शो बट इट इज हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज ये सोचने की बात है थैंक यू स्वरूप थैंक यू मैम